लोक प्रधान के क्राइम टाइम स्टोरी नंबर 18 में मैं अर्जुन चौहान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। फिल्मी दुनिया की चकाचौंध के बीच रहने वाली परवीन बॉबी अपने असल जिंदगी में किन अंधेरे से गुजरी, शायद ये कोई समझ पाए। ये कहानी है एक लड़की की जो आत्मनिर्भर है, बोल्ड है, खूबसूरत है और जिंदगी जीना जानती है। एक मौका जो उसे किस्मत ने दिया और जिसके बाद परवीन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। खूबसूरती और बोल्ड अदा की वजह से 1976 में परवीन बॉबी को प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम ने अपने कवर पर भी छापा था। शौहरत, पैसा, इज्जत, बोल्ड, खूबसूरती सब रह के भी परवीन जिंदगी भर आजीवन सिंगल क्यों रही? एक बंद कमरे में उसकी सड़ी हुई लाश क्यों मिली? महेश भट्ट ने परवीन के बारे में ऐसा क्या कहा जो पूरे देश में हलचल मच गई थी और पूरा देश सुन्न हो गया था? क्या हो गया था परवीन बॉबी को? क्या प्यार में मिला था धोखा? क्या किसी साजिश की बन गई थी वो शिकार? अपनी एक अदा से करोड़ों लोगों को घायल कर देने वाली परवीन बॉबी क्यों लोगों से डरने लगी थी? क्यों उसकी मौत इतनी दर्दनाक भयानक हुई? क्यों उसको कोई मारना चाहता था? क्यों मौत के बाद भी पूरा देश रोया था? इन्हीं सब क्यों के सवाल हम जानेंगे स्टोरी नंबर 18 के लोक प्रधान क्राइम टाइम में। तो देखते रहिएगा हर शुक्रवार रात 8 बजे लोक प्रधान क्राइम टाइम। फेमस अदाकारा परवीन बॉबी अपने समय की अभिनेत्रियों में से सबसे ज्यादा फेमस अभिनेत्रियों में गिनी जाने वाली अभिनेत्री थी। 70-80 के दशक में इन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी अदाकारी से लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। वह 70 के दशक की सबसे बोल्ड अभिनेत्री थी। उन्होंने अमर अकबर एंथोनी, नमक हलाल, शान और कालिया जैसे ब्लॉकबस्टर हिंदी फिल्म की है, लेकिन उनकी मौत काफी दर्दनाक थी। लंबाई और बॉडी मेजरमेंट। परवीन बॉबी अभिनेत्री के साथ साथ मॉडल और इंटीरियर डिजाइनर भी थी। अगर बात इनके लुक की जाए तो आपको बता दें कि बेहद खूबसूरत दिखने वाली परवीन की हाइट 170 सेंटीमीटर और 1.70 मीटर यानी फीट में 5.7 थी। काली आंखें और काले बाल इनके लुक को और भी ज्यादा इनहेंस करते थे। इनके लुक को जीनत अमान की तरह माना जाता था। उम्र और प्रारंभिक जीवन। परवीन बॉबी का जन्म 4 अप्रैल 1949 दिन सोमवार को जूनागढ़ गुजरात में हुआ। परवीन का विवाह नहीं हुआ था, वो अविवाहित थी, पर इनका नाम कई हस्तियों के साथ जोड़ा जा चुका है। सिद्धार्थ भट्टाचार्य यह अहमदाबाद का एक साधारण सा लड़का था जिनका नाम पहली बार परवीन से जुड़ा। परवीन की प्रारंभिक पढ़ाई माउंट कार्मेल हाई स्कूल अहमदाबाद और आगे की पढ़ाई सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद से हुई। उन्होंने इंग्लिश साहित्य में स्नातक किया था। मुस्लिम धर्म में जन्मी परवीन बॉबी ने बाद में ईसाई धर्म अपना लिया था।
मालाबार हिल के प्रोटेस्टेंट एंग्लिकन चर्च में इनका बपतिस्मा भी हुआ था, यानी इन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया था। इन्हें पेंटिंग करना, पियानो बजाना और साहित्य की किताबें पढ़ने का शौक था। इनके पसंदीदा कलाकार राज कपूर, देवानंद, फिरोज खान, दिलीप कुमार और संजीव कपूर थे और पसंदीदा अदाकारा वहीदा रहमान और मीना कुमारी थी। इनके अलावा अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ भी इनका नाम जोड़ा गया। अभिनेता डैनी डेंजोंगपा भी इनके प्रेमी में शामिल है। इनके अलावा अभिनेता कबीर बेदी और फिल्म निर्देशक महेश भट्ट ही नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन अब्दुल एला का नाम भी परवीन के साथ जुड़ चुका है। परवीन बॉबी की भयानक मौत जिसने देश को हिला दिया, यह हम सभी को बहुत जल्द छोड़कर चली गई। इनकी मृत्यु 22 जनवरी 2005 को हो गई थी। यह हमारे बीच महज 55 साल तक ही रही। जब बहुतों का करियर ऊंचाइयों को छू रहा होता है, ये उसी उम्र में दुनिया को छोड़ गई। महेश भट्ट ने परवीन का एक वाकया बताते हुए कहा कि 1979 में फिल्म दीवार की शूटिंग के दौरान एक सीन में बेड के बीचों बीच अचानक परवीन डर जाती है, चाकू लेकर कहती है कि ये कमरा खराब है, लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझ पर झूमर गिराने वाले हैं। इस तरह बोलती हुई मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले गई। इनकी माँ को देखकर ऐसा लगा कि ऐसे हरकत ये कई बार कर चुकी हैं। परवीन की ऐसी हरकतें और भी बढ़ती गई। फिर महेश भट्ट ने इन्हें अपने अध्यात्मिक गुरुजी कृष्णमूर्ति के पास ले गए। अक्टूबर 1979 में उन्होंने परवीन को इलाज के साथ छोड़ दिया और अपने परिवार को संभालने लगे। 1980 में महेश ने परवीन से सारे रिश्ते तोड़ दिए। इन्हें लगता था कि हर कोई इन्हें मारने की योजना बना रहा है, यहाँ तक कि इन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया था ये कहकर कि इसमें जहर हो सकता है, और सिर्फ अंडे का सफेद भाग ही खाती थी। इनका मानसिक स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया था कि इन्होंने अपनी वसीयत अपने मृत परिजनों के नाम कर दी थी। अपने अंतिम समय के 4-5 साल पहले से ही ये अपने हर फोन कॉल्स को रिकॉर्ड करती थी, जिसके कुछ नोटपैड अभी भी महाराष्ट्र सरकार के संग्रह कार्यालय में हैं। 22 जनवरी 2005 में उनके पड़ोसी ने देखा कि 2 दिन से अखबार और दूध सब घर के बाहर ही पड़ा है। जब ये सूचना उन्होंने पुलिस को दी, तब पुलिस ने गेट खोला और देखा कि परवीन मृत पड़ी है। इनके पास कुछ दवा, पेपर और शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं और इनके बाएं पैर में मधुमेह रोग के कारण गैंग्रीन हो गया था, जिस कारण से ये ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और बेड के पास व्हीलचेयर भी पड़ी थी, जिसे देखकर लग रहा था कि कई दिनों से इन्होंने खाना भी नहीं खाया था और भूख से वह मर गई। इनकी अंतिम इच्छा ईसाई धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार की थी, लेकिन परिवार वालों ने इस्लाम के अनुसार इनका अंतिम संस्कार किया और बॉलीवुड के मशहूर कलाकारों जैसे मोहम्मद रफी, मधुबाला और साहिल लुधियानवी की कब्र के पास इन्हें दफनाया गया। तो दर्शकों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।